ये अभी जो डॉक्यूमेंट वाइज डीके शिवकुमार है, यूसुफ शरीफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको बहकावे में लाने और गुंडा क्राइम आदमी मेरे पार्टी को काम आएगा। पूरे 125 कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे हैं, तीनों पार्टी के हैं। पैसे वाला आदमी मेरे को 2023 के इलेक्शन को काम आएगा करके ऐलान किया है पब्लिक में, क्योंकि ये देख के बैठी है और लोकायुक्ता भी है ना, इन तीनों चारों भी ये काम छोड़े तो इनके ऊपर भी कानून लागू हो। बयान में दिए अपने, सर्कुलेशन वीडियो बने, अपना ऑडियो बने, रिकॉर्ड करे, अखबारों में पब्लिकेशन दिए। पूरे 125 कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे हैं, तीनों पार्टी के हैं। इसके ऊपर जो मेरे को सनद है, जो पब्लिक में, पब्लिक को बहकावे में लाने और गुंडा क्राइम आदमी मेरे पार्टी को काम आएगा, पैसे वाला आदमी मेरे को 2023 के इलेक्शन को काम आएगा करके ऐलान किया है पब्लिक में, ये अभी जो डॉक्यूमेंट वाइज डीके शिवकुमार है, यूसुफ शरीफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये देख के बैठी है और लोकायुक्ता भी है ना, इन तीनों चारों भी ये काम छोड़े तो इनके ऊपर भी कानून लागू होगा। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वायलेशन वो किए हैं और काम करते हैं, वायलेशन तो पक्का जानबूझ के, जैसा बच्चे को औलाद देते हैं उसके बाद जिंदा दफन करते हैं, ऐसा इलेक्शन लाते हैं 125 लोगों में, समझो इनके तकरीबन नेशनल पार्टियों की जीत होती है या ना, इनके 25 इनके 25 इनके 10 ना, बीजेपी कांग्रेस मिला के, जेडीएस मिला के 50 या 60 आदमी का इनका है जो पैसे में इंडल्ज होने वाले, तो ये लोग का पैसा देन लेन है और जबान से कंसेप्ट एक्सेप्ट करे हुए हैं डीके शिवकुमार और ये, और कैसे करें, और अपने बयान में दिए अपने, सर्कुलेशन वीडियो बने, अपना ऑडियो बने, रिकॉर्ड करे, अखबारों में पब्लिकेशन दिए, और अखबारों में पब्लिकेशन ये देना चाहिए था कि भाई ये क्राइम किया, ये मर्डर किया, ये अटेम्प्ट टू रेपिस्ट था, ये वो कौन सा पॉइंट है जिस पे आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं? तो 500 करोड़ रुपया मैं आवाम को देता हूं, इसमें आवाम का यूसुफ शरीफ बोला और डीके शिवकुमार भी बोला, उसका जितना मैनिफेस्टो है जबान से ऐलान किए, मैनिफेस्टो पेपर होता है, कानून में उसको जगह नहीं है, जब जबान में नेशनल रिलीज में जब रिलीज दे के दिल्ली अमेरिका भेजते हैं अपना डीके शिवकुमार, वो अपना एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट है, जब वो बोला कि भाई ये पैसा अपना पैसा देता है, जो 5 लाख करोड़ रुपया इरिगेशन में मैं 50,000 करोड़ नहीं किए, तो इतना पैसा रहते हुए ये 500 करोड़ की जरूरी क्या है, सरकार में पब्लिक का पैसा। अच्छा एक पॉइंट ये भी है सर कि इसे जो वोट डालने वाले हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल बॉडीज के वो मेंबर्स हैं, वो लोग डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं ये भी खबर है, तो इनके ऊपर भी आप एलिगेशन, इनके ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं आप। नहीं, जब ये सनद साबित हो गया, अब इसमें तो इलेक्शन कमीशन भी बसने वाले नहीं है और लोकायुक्ता भी नहीं है, करना ही पड़ेगा, तो ये पैसा किसको देते हैं, कौन लेने वाले थे? अब ये देता हूं ये तो आ गया, 500 करोड़ रुपया है वो भी आ गया, अपना डीके शिवकुमार वो भी ऐलान कर दे, लेने वाला ये केस बनता ही है कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट है करके, आवाम कॉमन नहीं है, पूरे पब्लिक से चेयरमैन टू कॉर्पोरेट काउंसिलर है, मेंबर है, प्रेसिडेंट है, तो ये पब्लिक सर्वेंट है, तो इसलिए केस बनता है, इलेक्शन कमीशन का बनता है, आवाम के लिए भी, एसीबी का, लोकायुक्ता में बनता है, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को ही देते हैं, लोकल एक भी आदमी को एक्सेस ये इलेक्शन से नहीं होता है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे MLA चेयरमैन प्रेसिडेंट्स इनू पब्लिक सर्वेंट को पैसा देने की बात किए, पैसा दे चुके हैं, पैसा दे भी दिए होंगे, जैसा बोलते हैं उन रास्ता बताए वो दे देंगे, तो ये अपने पैसे से देना जरूरी नहीं है, अपने पैसे से देने वाले सियासत में आने की भी जरूरी नहीं था, अपने पैसे 500 करोड़ की जो शान करने वाले, एक बजट एक डिपार्टमेंट में 5 से 8 लाख करोड़ रुपया होता है, और जो इतना नहीं जाने तो वही बेइलमी होती है, इतना बेइलम हो के अपना 222 आदमी जो कानून असेंबली में पास किएंगे, तो ये होता है 222 आदमी को बोलते हैं कि भाई हमें बेइलम है इसलिए असेंबली को जाते हैं इन्हों, तो ये आदमी जो हमें पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ के हमें गजट जो कन्नड़ा में लिखा होता है इंग्लिश में सही डिक्शनरी मीनिंग के साथ मैं अप्रूव करता हूं करके बोल के MLC में जाते हैं, तो इन्हों बेइलम करके जाते हैं MLA, ये बेइलम 222 MLA को इलमदार आदमी
जितने भी एमएलए हो, दो इलमदार आदमी के नाम से ही ऐसा ये कानून बना है जनरली, ये पढ़ के ये नक्की करना है। ये 222 आदमी 25 दिन समझाना मांगता है, समझा के ये विड्रा लोगों के लिए अच्छा ही करने विड्रा करना मांगता है। ये जो चारवीं क्लास पढ़े हुए आदमी को 500 करोड़ के साथ, जो एक एक डिपार्टमेंट का बजट 5 से 10 लाख करोड़ रुपए है कर्नाटक में, ये पूरा पैसा भी 6.5 करोड़ का है, एक आदमी का नहीं, 1500 करोड़ का नहीं। जब 1800 करोड़ रुपए जब बोलते हैं, 1800 करोड़ रुपए कुछ भी मायना नहीं रखता है, क्योंकि वो पैसे को टैक्स बना नहीं है, वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आता है कि भाई इसका वेल्थ टैक्स बन के, क्योंकि जब डिस्प्यूट हो गया तो उसका वेल्थ टैक्स बना है क्या। और इसका जितना क्राइम केस दिया है, मैं तो सनत के साथ दिया हूं कि भाई ये क्राइम केस दिए हैं जो छोड़े हुए हैं, ये क्राइम केस आगे आ जाता तो एक भी आदमी वोट नहीं कर सकता था, ऐसे क्रिमिनल केसेस एफिडेविट में छोड़े हुए हैं, एक्सक्लूड किए हैं। तो आलम पाशा की मांग क्या है सर? मेरी मांग केस का है, जेल को जाना है, जेल पूरे जाएंगे, जब इलेक्शन कमीशन नहीं किया तो उन्हें भी तो जाना है, यूसुफ शरीफ और अपना डीके शिव कुमार ऐसे इलेक्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करके, जो अपना पैसा आपका जेब का पैसा छीना के तुम लोगों को दो करके बोल के ऐलान करके उसके नाम से वोट लेना, और अपने जो जितने मीडिया अपने वेबसाइट अपने टीवीओ में इसका क्राइम अलेगेज क्राइम जितना है कानून में, ये लोगों का इतना खाया है पैसा करके जबान से नहीं बोला है, डीके शिव कुमार के ऊपर ही आता है वो, डीके शिव कुमार का ऑब्लिगेशन है कानून में यही है कि भाई अपना बोलना मांगता, जब बी फार्म दे दिया तो नहीं बोला है तो उन्हें क्या भी हो, एज ए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से भी जेल में जाना मांगता हूं मैं, वही मेरी मांग है।